तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुल गुप्ता जी। आज हम आए फिर से एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाएंगे पोहा, जो सुबह के नाश्ते में चाय के संग बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो चलो बनाते हैं पोहा, दिखाते हैं आपको वीडियो एंड रेसिपी। चैनल को करना सब्सक्राइब एंड लाइक। तो चलो दिखाते हैं आपको पोहा। तो गाइज़, हमें पोहा बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए मटर। ये मटर है और ये दो प्याज हमने काट लिए, एक गाजर काट ली है और हमने ये चार से पांच काट लिए मिर्च, और पांच से छह हमने काट लिए बीन्स, और इधर हमने लिए कच्ची मूंगफली के दाने। तो अब इनको करेंगे हम रोस्ट। तो चलो करते हैं अब इनको रोस्ट फटाफट। तो गाइज़, ये हमने ले लिए कढ़ाई और इसमें डाल लिया हम एक टी स्पून घी। घी हो गया गर्म, ये कढ़ाई थी पहले से गर्म। तो चलो अब इसमें डाल देते हैं मूँगफली के दाने। ये डाल दिया हमने मूंगफली के दाने। अब आपको इसको भूनना है अच्छे से। तो गाइस, हमारे जो मूंगफली के दाने वो बिल्कुल पक चुके हैं। तो चलो इन्हें उतार लेते हैं, गैस को कर लेते हैं बंद। तो गाइस, चलो अब सब्जी को बॉईल कर लेते हैं। ये हमने मटर ली है, ये मटर डाल दिया हमने पानी में, और अब डालने हैं इसमें बीन्स। ये बीन्स डाल देते हैं बॉईल करने के लिए। ये हमने डाल दी इसमें बीन्स, और अब डाल देते हैं इसमें कटी हुई गाजर। ये हमने सारी सब्जियां डाल दी हैं। तो चलो कुकर का ढक्कन लगाते हैं, सब्जी को करते हैं बॉईल। लगाते हैं कुकर का ढक्कन। एक बात का आपको गाइस ध्यान रखना है, एक ही सीटी लगानी है, और एक ही सीटी में हमारी जो सारी सब्जी है वो पक जाएंगी। तो चलो एक सीटी का करते हैं वेट। गाइस, एक सीटी लग चुकी है। तो चलो बंद कर देते हैं कुकर को। गाइस, अब कुकर को खोल के देख लेते हैं हमारी जो सब्जी है पक चुकी है कि नहीं। सब्जी जो हमारी पक चुकी है गाइस, ये देखो गाइस, सब्जी जो हमारी पक चुकी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलो उस सब्जी को निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। तो गाइस, हमने जो है सारी सब्जी निकाल ली है एक प्लेट में, और अब बनाते हैं पोहा। तो चलो बनते हैं अपने कढ़ाई की तरफ। तो गाइस, हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दी हमने रिफाइंड। ये हमने एक टीस्पून इसमें रिफाइंड डाल दिया है। तो चलो अब इसमें डालते हैं प्याज। इसमें डाल देते हैं गाइस प्याज। तो गाइस, अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। अब दोनों को कर लेते हैं फ्राई। तो गाइस, हमारा जो प्याज भुन रहा है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं राई, और यह है कड़ी पत्ते। तो चलो अब इसमें ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ते और राई। राई डाल दी हमने एक टीस्पून, ये राई है लगभग, और अब इसमें डाल लें कड़ी पत्ते। दोनों को चला देते हैं। तो गाइस, ये हमने पोहा ले लिए हैं 250 ग्राम। तो चलो अब इन पोहा को भिगो देते हैं पानी में। तो गाइस, अब इस पोहे को डाल देते हैं पानी में। तीन से चार मिनट ये पोहे पानी में भीग जाएंगे हमारे। तो गाइस, अब हम इसमें डाल देते हैं एक टीस्पून हल्दी, और अब हम इसमें डाल देते हैं सारी सब्जियां जो हमने उबाली थी। तो गाइज, हमने इसमें सब्जी डाल दी है, और अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली के दाने। उसको सारी चीज़ें कर लेते हैं मिक्स। तो गाइज, हमारे जो पोहे हैं बिल्कुल भीग चुके हैं, उन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। इस तरीके से आपको सारे पोहे निकाल लेने हैं,
और सारे इस तरीके से फैला लेने हैं, जिससे इनका जो पानी है सारा सूख जाएगा। तो गाइज़ हमारे जो पोहे हैं बिल्कुल भीग चुके हैं और सूख चुके हैं अच्छी तरीके से, तो चलो अब इनको डाल देते हैं सारी सब्जियों में। ये हमने डाल दिए सारे पोहे सब्जी में। गाइज़ अब इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं, नमक आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। तो भाई हमारे जो पोहे हैं लगभग बन ही चुके हैं। तो गाइस हमारे जो पोहे हैं बिल्कुल बन चुके हैं और अब इसमें डाल देते हैं धनिया। ये हमने धनिया काट ली है, चलो पोहे पर डाल देते हैं धनिया और कर लेते हैं मिक्स। और अब आपको लगा के दिखाते हैं प्लेट में। तो गाइस हमारे जो पोहा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, हमने आपको वीडियो रेसिपी दोनों दिखा दी, तो इसके लिए लाइक का बटन तो करना बनता है। और पोहा बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन चुका है, और लाइक का बटन करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। ऐसी और कुकिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, हमने पोहे की वीडियो हमने आपको दिखा दी, तो चैनल को करना सब्सक्राइब इसके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, रेसिपी हमने आपको पूरी दिखा दिया है। तो पोहे आप भी अपने घर में बनाओ, सभी को खिलाओ। तो चलो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।